ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेरा के प्रवेश द्वार से पहुंच मार्ग तक उड़ती धूल से अस्पताल आए मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। अस्पताल में प्रतिदिन अनेकों चौपहिया और दोपहिया वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, जिस वजह से यहाँ धूल का गुबार उड़ता रहता है, जिससे फैलते प्रदूषण से मरीजों के प्रभावित होने का अंदेशा भी बना रहता है। हालांकि अस्पताल के भीतर सफाई का कार्य निरंतर जारी रहता है, लेकिन धूल के भीतर प्रवेश करने से स्थिति जस की तस बनी रहती है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्याम सिंह ने बताया कि अस्पताल परिसर में डामरीकरण को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की गई है। जी हां, हमने डामरीकरण के लिए बात किया था। आप देखते होंगे यहाँ पे 102, 108 अन्य एम्बुलेंस गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आती है और धूल जो है हमारा वार्ड जो है नॉर्मल डिलर वार्ड, सीजर के पेशेंट, के मोतियाबिंद के पेशेंट, सर्जरी वाले सारे जो हैं वो इन्फेक्शन के चपेट में आ जाते हैं। मैंने शासन से बात किया है, उच्च अधिकारियों से भी बात किया, सिविल सर्जन साहब से भी बात किया, CMO साहब से भी बात किया हूँ कि ये जल्द से जल्द इसको या तो डामरीकरण कराया जाए या फेवर ब्लॉक लगा करके इसको सुसज्जित किया जाए ताकि मरीज को इसका लाभ मिल सके।